हेलो दोस्तों, आप सभी का भारतीय रोजगार चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में गेल के द्वारा जो वैकेंसी आई हुई है वो हम आपको शेयर करेंगे। गेल गैस लिमिटेड, तो यहाँ जो वैकेंसी आई हुई है वो है आपका सीनियर एसोसिएट और जूनियर एसोसिएट, ये दो पोस्ट है। सीनियर एसोसिएट में आप देख सकते हो टेक्निकल पोस्ट आए हुए हैं, फायर एंड सेफ्टी का पोस्ट आया हुआ है, मार्केटिंग का पोस्ट आया हुआ है, फाइनेंस एंड अकाउंट का पोस्ट है यहाँ पे, और साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी, वुमेन सॉरी रिसर्च सिमिलर जूनियर एसोसिएट का भी यहाँ पे वैकेंसी है। आप देख सकते हो जूनियर एसोसिएट टेक्निकल का, और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी आई हुई है सीनियर एसोसिएट का वो है 104, और जूनियर एसोसिएट की जो वैकेंसी है वो 16 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है, क्या एज क्राइटेरिया है और कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये पूरी चीजें यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नीचे आएंगे नोटिफिकेशन में, ये है सीनियर एसोसिएट। इसमें जितने भी ब्रांच वाले हैं जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो सभी यहाँ पे एलिजिबल है। मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, और 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप मंगा हुआ है। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो ठीक है, अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। अगर आप सीनियर एसोसिएट या फिर टेक्निकल किसी भी टेक्निकल पोस्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और सिमिलर फायर एंड सेफ्टी का भी यहाँ पे आप देख सकते हो। मार्केटिंग में भी कौन अप्लाई कर सकता है, तो एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर एसोसिएट आपका फाइनेंस एंड अकाउंट में सीए सीएमएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर एसोसिएट के लिए कंपनी सेक्रेटरी, आप कंपनी सेक्रेटरी के लिए कंपनी सेक्रेटरी वाला ही अप्लाई कर सकता है। आपका एचआर के लिए एमबीए एमएसडब्ल्यू पीजी ये सब अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर जूनियर एसोसिएट के लिए सेम है, टेक्निकल पोस्ट के लिए डिप्लोमा मंगा हुआ है, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, और 2 साल का एक्सपीरियंस मंगा हुआ है रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। मतलब आप अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपका 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट, यहाँ पे एज लिमिट भी दिया हुआ है 32 साल जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो ओबीसी एसटी एससी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उनका एज पर जो गवर्नमेंट रूल्स है उनके हिसाब से उनको छूट मिल जाएगा। और इन्होंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जूनियर एसोसिएट के लिए कोई भी बी बीटेक एमटेक वाले यहाँ पे अप्लाई ना करें, वो एलिजिबल नहीं है, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब ये जो है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो भी ये पोस्ट निकला हुआ है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, और 2 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। ये आपको ऊपर में यहाँ पे दिख रहा होगा टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, 2 साल के लिए रखा जाएगा। हर साल आपके परफॉर्मेंस बेसिस पे आपको आपका नेक्स्ट ईयर अटेंड किया जाएगा, और 6 मंथ का टाइम वो रहेगा, पीरियड रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ का रहेगा, बाकी हर 2 साल में यहाँ पे ईयरली बेसिस आपको अटेंड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप अब नीचे आते हैं, इसका एज लिमिट तो मैंने बता ही दिया है, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आप एस सी एस सी ओबीसी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी होगी सीनियर एसोसिएट के लिए 60,000 पर मंथ है, और जूनियर एसोसिएट के लिए 40,000 पर मंथ है, साथ में विच इंक्लूड पे एचआरए एंड अदर अलाउंस वगैरह, और जो भी एनुअल इंक्रीमेंट है वेरिएबल पे है वो सब चीजें तो मिलेगा ही। साथ में अदर बेनिफिट ये है कि पॉलिसी वगैरह जो भी गेल के द्वारा जो पॉलिसीज होते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके वो सब चीजें भी मिलेंगे। प्लस ये आप देख सकते हो कि 5 लाख तक का एनुअल बेसिस और सेल्फ स्पाउस एंड द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए मेडिकल क्लेम के लिए पॉलिसी दे रहे हैं। ठीक है,
अब इसके साथ आपको प्लेसमेंट ऑल इंडिया कहीं भी प्रोजेक्ट चल रहा है कहीं भी दिया जा सकता है, नो डाउट। फीस इसमें 100 रुपये रखा गया है, और इसमें कैसे अप्लाई करना है तो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है आपको अप्लाई करने के लिए, पूरा ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। और एक पोस्ट के लिए एक ही बंदा, मतलब एक बंदा एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसको डबल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मतलब दो बार फीस पे करना है, साथ में अलग अलग मेल आईडी फोन नंबर यूज करना है पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन एग्जाम रहेगा सीनियर एसोसिएट के लिए, प्लस पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। जूनियर एसोसिएट के लिए रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, बस रिटन टेस्ट हो सकता है या फिर स्किल टेस्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने पोस्ट वहाँ पे कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। फिर उसके बाद आपका आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एग्जाम के लिए कुछ चीजें दी होंगी, हाँ, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट। फॉर्म फिलिंग का स्टार्टिंग डेट शुरू होगा 10/3/2023 से, और इसका जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 10/4/2023 है। एक महीने के ड्यूरेशन में आपको फॉर्म फिल करना है, हर चीज करना है। जो भी वैकेंसी है डिक्रीज या इंक्रीज की जा सकती है। तो ये था दोस्तों, बिल्कुल अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है, सैलरी भी अच्छी है और सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत अच्छा है। रिटर्न टेस्ट देना है, और इसमें आपको जो एग्जाम सिटी है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो, टेस्ट सेंटर यहाँ पे क्लेरिफाई किया हुआ है, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, भोपाल एंड रांची, इन्होंने 4 सेंटर दिए, 4 सेंटर ही एग्जाम सेंटर रहेंगे, उसके अलावा कोई भी एग्जाम सेंटर नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी बिल्कुल लाइक करें, और अगर जो लोग खाली हैं उनको शेयर करिए, उन जिनके काम का आ सकता है ये, और बिल्कुल शेयर करना ना भूलें इसको, क्योंकि हो सकता है आपके वजह से किसी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।